ये राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि चीन ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है, तो वो क्या जानना चाह रहे हैं? क्या लगता है उनको, क्यों तारीफ कर रहा है? ये बात आपको अजीब नहीं लगती है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बड़ा बयान देते हैं प्राइम टाइम टेलीविजन पर, उसको पीएमओ संशोधित करता है कुछ ही घंटों में, अगले दिन क्लैरिफिकेशन आता है कि ये बगैर बयान कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, सिर्फ 15 जून की वारदात को लेकर था, बाकी वारदात बाकी घुसपैठ पर वो बिल्कुल चुप रहते हैं। ये आपको अजीब नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को चीन का सरकारी मीडिया, चीन का पूरा तंत्र पूरे दुनिया में फैला रहा है और तारीफ कर रहा है? ये आपको अजीब नहीं लगता और भाजपा को अजीब आज नहीं लग रहा है ये बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट करके चीन ये कह रहा है कि गलवान वैली उनका हिस्सा है? ये तो अपने आप में प्रश्न उठना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया जिससे लगता है कि सरहद का खिलवाड़ हो रहा है और चीन इस पर अपना डंका पीट रहा है, तो ये सवाल तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा से करना चाहिए कि ये बुरा दिन है, ये खराब दिन है, एक कायर देश चीन जिसने इतनी विभत्सता का परिचय दिया आज हमारे प्रधानमंत्री की बात को पकड़कर और उस पर दुष्प्रचार कर रहा है, और इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्राइम टाइम टेलीविजन पर जो कहा वो अपने रक्षा मंत्री अच्छी खासी संख्या में, विदेश मंत्री गलवान वैली में हमारी साइड स्ट्रक्चर पे, चीफ ऑफ स्टाफ जिन्होंने कहा डीएस्केलेशन डिसएंगेजमेंट हो रहा, उन सबकी बात से विपरीत था, और कुछ ही घंटों ने पीएमओ में अपने लिखित बयान को प्रधानमंत्री जी के शब्दों को निकाल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अगले दिन खंडन आता है कि नहीं नहीं जो प्रधानमंत्री जी ने कल नहीं घुसपैठ की बात करी थी वो सिर्फ 15 जून की, जिस दिन 20 लोग की शहादत हुई उस दिन की बात थी। आज जो देश पूछना चाहता है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 की हमारी जो गश्त है वो रुक गई है, इसलिए रुक गई है क्योंकि फिंगर 4 से फिंगर 8 में चीन घुसा बैठा है। तो ये घुसपैठ है कि नहीं है? पैंगोंग लेक के इलाके में आज चीन है, हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में आज चीन है, आज इस पर सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है? और इसी स्पष्टीकरण के न आने के कारण चीन दुष्प्रचार कर रहा है और अपना आधिपत्य जमा रहा है। आप लोगों को अजीब नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी के बयान की चीनी का जो सरकारी मीडिया है वो तालियां बजा रहा है और कह रहा है बिल्कुल सही कहा है मोदी जी? जवाब दीजिए शाहनवाज जी, क्या आप सरहद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए सुप्रिया जी, की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी को आज के दौर में डिफेंड करना आसान काम नहीं है जो करने आई है। रोज गलतियां हो रही हैं, जवाब किसे दें? चीन को जवाब दें या कांग्रेस पार्टी को जवाब दें? व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। सवाल है कि जब चाहे 62 हो या उसके बाद 12 हो 13, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप तो ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने यहां भूमि छोड़ दी, जो बात चाइना नहीं कह रहा, जो भूमि हमारी कब्जा करेगा तो वो दावा करेगा, वो नहीं कह रहा, वो कांग्रेस क्यों कह रही है? आपसे हम नहीं पूछेंगे आज कि 62 में 37,244 किलोमीटर आपकी गलतियों की वजह से छूटी, लेकिन वो देश का सवाल था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में बुलाया, माननीय सोनिया जी वहां पर थी, जिम्मेदारी से बताया, सब दलों को बताया, कई दल के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी उसके अप्रिशिएट किया। हमारा कहना है कि आपको राजनीति करनी है, नरेंद्र मोदी जी से इतनी जलन हसद है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब देश का सवाल हो इस तरह से भ्रम पैदा करने का काम मत कीजिए। रोज राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं, कई बार जब मैं जवाब देता हूं तो मुझे लगता है क्या रोज राहुल गांधी जी को जवाब दे, लेकिन रोज एक ट्वीट करते हैं। कल भी जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली थी मुझे उसका जवाब देते हुए भी दुख हो रहा था कि क्या अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की जबान में बोला जाएगा? क्या राहुल गांधी जी भारतीय होने के नाते भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? भरोसा कीजिए, दल से ऊपर देश होता है। आपको अगर पॉइंट स्कोर करना है तो कर लीजिएगा फिर, लेकिन अभी जहां तक देश का सवाल है, हमारे सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट ने अपनी प्राण की आहुति देकर उनके सैनिकों की गर्दन मरोड़ दी है, भारी नुकसान किया है। चाइना में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, वहां तो टैंक चला देते हैं लोग, ये डेमोक्रेसी है तो इसका नाजायज फायदा किसी को उठाना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।